जो है 12th के विद्यार्थियों के लिए है। आज आप लोग को क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी के कुछ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्या कर रहे हैं इस वीडियो में बतला रहे हैं, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं जिनका बायोलॉजी है, उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है बाबू, इन सारे लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ये सारे लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आपका क्वेश्चन है, मुकुलन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित वर्णन करें, यह द्विखंडन से भिन्न है कैसे, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बाबू पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, दूसरा ये भी क्वेश्चन जो है इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला। दूसरा क्वेश्चन है, बंध्याकरण क्या है, इसके तरीकों या शल्य क्रियाविधि का क्या करें उल्लेख करें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कर लेना है, अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन सो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका है चौथा, लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण विवरण दे, ये वाला क्वेश्चन जो है ना कई बार, एक बार नहीं कई बार बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव के उद्गम एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अभिसरण विकास क्या है, 100 उदाहरण वर्णन करें, यह विचलन विकास से कैसे भिन्न है, यह भी आपको क्या करना है, इसी में बतलाना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव में संक्रामक रोग क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण द्वारा दर्शाएं, इसके प्रमुख रोग जनित कारक का नाम लिखें, यह क्वेश्चन आपका जो है 2023 के लिए तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, जैव प्रक्रम विकास से इसकी क्या भूमिका है, तो यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राक्कण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाली विभिन्न प्रकार के प्राक्कण का वर्णन कीजिए, जीवीय प्राक्कण कर्मकों के बारे में उल्लेख करें, यह भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जितना भी लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी के बतलाए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सबों से बाबू रिक्वेस्ट है, जिनका बायोलॉजी है उन बाबू से रिक्वेस्ट है, इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। और आज के क्लास आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो बाबू चैनल पर नए उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।